मध्य वर्ग के परिवार में जन्म अपनी पढ़ाई के साथ साथ अलग से पेंटिंग सामाजिक कार्य व इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ाते हुए पता ही नहीं चला कि कोई भानु नाम का शख्स कब सफलता की शिखर पर पहुंच गया, लेकिन पढ़ने के लिए संघर्ष जारी रहा। सक्षम न्यूज इंडिया के संवाददाता भानु प्रताप से ये खास बातचीत की, देखिए ये खास रिपोर्ट। सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है, मैं कृष्णा त्यागी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया का खास प्रोग्राम कहानी कामयाबी की। इस कड़ी में आज मेरे साथ मौजूद हैं भानु प्रताप जी। भानु प्रताप एक ऐसा चेहरा है जो किसी में पहचान का मोहताज नहीं है। इन्होंने सामाजिक कार्य और कला के क्षेत्र में कई ऐसे कार्य किए हैं। बात करते हैं इनसे, इनके क्या क्या इन्होंने कार्य किए, इन्होंने किस तरह से कामयाबी हासिल की है। नमस्कार भानु जी। नमस्कार भानु जी, सबसे पहले मैं ये जानकारी चाहता हूँ आपसे कि आपने इस तरह की कार्य किए, प्रेरणा कहाँ से मिली इस तरह की? बेसिकली मेरी उम्र अभी 22 साल है, तो जब मैं 17 का हुआ करता था, जब मैं 17 साल का था, तो मैं छोटे छोटे कुछ ना कुछ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेता रहता था। जैसे आपके कला के क्षेत्र में हो गया, आपके गायन के क्षेत्र में हो गया, नृत्य प्रतियोगिताएँ हो गई, चित्रकला प्रतियोगिताएँ हो गई, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़, गायन और नृत्य जो प्रतियोगिताएँ होती थी वहाँ मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ पे फिक्सिंग वाला चीज़ होती है, जैसे क्रिकेट में फिक्सिंग होता है, जस्ट लाइक दैट वहाँ पे जो है फिक्सिंग का एक खेल चलता था कि जो थोड़े ज़्यादा पैसे दे देते थे या जो टीम मेम्बर्स के रेफरेंस से कोई वहाँ पे कैंडिडेट्स आते थे वो उनको जिता देते थे, और जो रियल प्रतिभा होती थी, जो रियली में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते थे प्रतियोगिता के अंदर, उनको पीछे कर दिया जाता था। तो वहीं से मुझे लगा कि इन सारी चीज़ों को छोड़ के क्यों ना मैं लोगों के लिए एक एग्जांपल सेट करूं। तो मैंने सोचा कि इन प्रतियोगिताओं में ना हिस्सा लेके मैं ऐसा करूं, ठीक है मेरा जितना था, जितना पार्टिसिपेट करना था हो गया, अब मैं और लोगों को चांसेस दूं। तो मैंने उसी के बाद में सोचा कि मैं लोगों के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूं, कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करता हूं। तब जाके मैंने छोटे छोटे ड्राइंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करे, और बेसिकली सोशल वर्किंग लाइन में मैंने ज़्यादा जो है काम किए हैं। रुनकता क्षेत्र से हूँ मैं, तो बेसिकली आपके माता पिता जिनके संस्कार की बदौलत आप इस सफलता के शिखर पर हैं, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज इस स्थान पर हूँ, और जो मेरे को पहचान मिली है सिर्फ उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से है। क्योंकि कितना भी कोई कह ले कि मुझे जो है मेरी मेहनत रंग लाई या जो मैंने मेहनत करी, बट मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ जानता हूँ कि सिर्फ माता पिता का जब तक आपके सर पे हाथ है आप कुछ भी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं माता पिता का जो प्यार है और जो उनका आशीर्वाद है वही मेरे लिए काम कर रहा है, और कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ मेरे संगी हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। आपका भविष्य फ्यूचर प्लान क्या है, किस तरह से समाज के लोगों को, सामाजिक रह के सामाजिक कार्य करके लोगों की सेवा करेंगे क्या? मेरा फ्यूचर प्लान ये है, जिस तरीके से मिस इंडिया फाउंडेशन चल रहा है अपने पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में नाम है, उस तरह से मैं चाहता हूँ कि जो मैंने एक फाउंडेशन बनाया है अपने आगरा में, नूरे ताज, जो कि बहुत ही यूनिक नाम है और काफ़ी प्यारा है। नूरे ताज का मतलब एक ये फैशन प्रेजेंट है, एक मॉडलिंग एजेंसी है जिसको हम लोग रन कर रहे हैं। इसके थ्रू हम लोग हर साल इसके अंडर में लगभग 35 कार्यक्रम हम कराते हैं मॉडलिंग से रिलेटेड 15 अगस्त पे। और नूरे ताज कब से शुरू किया और क्या इसका उद्देश्य है? नूरे ताज का मेन उद्देश्य गरीब बच्चों को मंच पर उकेरना है। जो गरीब बच्चे हैं, जो कुछ झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए मंच है कि जो गरीब बच्चों की लंबाई अच्छी है, जो सुंदर है। बहुत से गरीब बच्चे आप देखिए झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले इतने सुंदर सुंदर होते हैं, तो बेसिकली उन लोगों को मेरे को आगे बढ़ाना है। और सामाजिक कार्य करते हुए आप पेंटिंग का भी शौक रखते हैं? जी, ये एक साइड इंटरेस्ट है पेंटिंग मुझे हमेशा से पसंद थी, और मेरे कुछ आर्ट टीचर्स थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे को लाइफ में सबसे ज़्यादा जो पेंटिंग का सपोर्ट मिला है वो 12th तक मैंने जो पढ़ाई की है सचदेवा मिलेनियम स्कूल से, वहाँ पे मेरे एक आर्ट टीचर थे संतोष कश्यप, तो हमेशा उनका सपोर्ट रहा। निधि गुप्ता मैम थी, उनका हमेशा सपोर्ट रहा, और शुरुआत से लेके जो सपोर्ट रहा वो रहा मेरे को भावना चौहान जी का, जो काफ़ी बड़ी चित्रकार हैं। सबसे ज़्यादा पेंटिंग यहाँ पर मैंने देखी, वो कुछ कुछ पेंटिंग कुछ कुछ सीख दे रही है जी। अधिकतर पेंटिंग आपकी महिलाओं से जुड़ी हुई है जी, क्या कहना चाहेंगे? महिला सशक्तिकरण की बात करें, सरकार निरंतर कार्य कर रही है लेकिन आज भी महिला सुरक्षित नहीं। बिल्कुल सही बोला आपने, सरकार कर तो रही है, कार्यकारिणी बनती तो खूब है पर उन्हें लागू नहीं किया जाता है। जैसे आप मानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
कितना भी आप इस चीज़ को फॉलो अप कर लो, इंडिया में खूब चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर उस पर वर्क ऑन नहीं किया जा रहा है। आए दिन आप रेप केसेस सुनते हैं, आए दिन आप सुनते हैं बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन आप सुनते हैं महिलाओं के साथ रोड पर चलते चलते छेड़खानियाँ हो जाती हैं। तो बेसिकली यही है कि मैं महिलाओं को एक उच्च स्तर पर रखता हूँ अपने समाज में और महिलाओं की काफ़ी इज्जत करता हूँ। और मेरा जो नूरे ताज फाउंडेशन है, मेरे ग्रुप्स चल रहे हैं कई सारे, रॉकस्टार डांस अकेडमी है, वहाँ पे हम महिलाओं को ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं क्योंकि महिला एक ऐसा हम बोल सकते हैं कि ऐसा उच्च स्थान है कि जिसके बिना ये पृथ्वी और जो है चल ही नहीं सकता है। महिलाएं किस तरह से सुरक्षित हो सकती हैं, किस तरह से सरकार को कुछ सलाह दे सकती है? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो लड़कों को ये सलाह देना चाहूँगा और हमारे समाज को ये सलाह देना चाहूँगा कि जो लोग बोलते हैं कि लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, रोडों पर निकलती हैं और हमारे समाज को दूषित कर रही हैं, उनके छोटे छोटे कपड़े ही रेप केसेस का कारण बन रहे हैं, मैं सिर्फ उन लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट और मैं आपसे बहुत विनती करना चाहूँगा कि कपड़े जो है वो किसी की कैरेक्टर नहीं बताते हैं, आपको चेंज करना है तो अपनी सोच को चेंज करें। क्या लग रहा है कपड़े के पहनने से ये पाले या महिलाओं पाले इस तरह के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं या कभी? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। आजकल जो हमारा हम बोले जो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, सब वेस्टर्न की तरफ भाग रहे हैं, तो बस एक ट्रेंडी लुक में, एक लुक्स में लोग रहना चाहते हैं, क्लासी वे में रहना चाहते हैं, तो जस्ट फॉर दैट वो एक न्यू कॉन्सेप्ट के डिज़ाइन अपनाते हैं, नए नए ड्रेसेस अपनाते हैं जिससे कि वो अपने आप को क्लासी बना सकें। और ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, हर कोई चाहता है कि हम आगे बढ़ें हम आगे बढ़ें, तो जस्ट फॉर दैट वो ड्रेसेस पहनते हैं। आप युवा हैं, इतने कम हो गए, इतने अच्छे अच्छे कार्य किए, ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऊर्जा बेसिकली मुझे नूरे ताज टीम से मिलती है। मेरे नूरे ताज टीम में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, मिसेज हेमा बैजल जी हैं, अर्चना फौजदार जी हैं, ममता सिंह मैम हैं, ममता शर्मा हैं, उसके अलावा अनूप सिकरवार जी का बहुत बड़ा योगदान है मेरी लाइफ में क्योंकि नूरे ताज की शुरुआत 2017 में हुई थी और उन्होंने ही मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया। उन्होंने हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, हमेशा मेरी हेल्प की कि मैं करता जाऊँ और वो मेरे साथ खड़े हुए हैं, तो एक तरह से बड़े भाई की तरह उन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है। उसके अलावा नूरे ताज से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। और ओवरऑल मम्मी पापा तो ऑब्वियसली। भगवान से मांगने की बात करें तो समय और पैसा सबसे पहले किसे प्राप्त करते हैं? समय और पैसा दोनों में से मैं किसी भी चीज़ को प्राथमिकता नहीं दूंगा। मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि पैसा मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। आज 3 साल हो चुके हैं, 3 साल में मैंने एक पैसा नहीं कमाया, इतने सारे इवेंट्स कर लिए जबकि अपनी जेब से सब कुछ लगाया ही है। मैं बस ये चाहता हूँ कि चारों ओर खुशहाली रहे और जो लड़ाई दंगे और जो पाकिस्तान से हमारा इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर इतना बुरा वाला चल रहा है, इस टाइम कंडीशंस इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो जस्ट भगवान से यही अपील करूँगा कि पैसा वैसा सब कुछ मेरे पास है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छे फैमिली से मैं हूँ, तो जस्ट भगवान से यही दुआ करूँगा कि अपने जो इंडिया में और वर्ल्ड में जो जितने भी गंदे काम हो रहे हैं, इवन फैशन इंडस्ट्री में, इवन आगरा के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आगरा में जितने भी लोग फैशन इंडस्ट्री के नाम पर घिनौना काम कर रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं, बस उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस इंडस्ट्री को दूषित ना करें और फ्री एंड फेयर तरीके से चलने दें क्योंकि मॉडलिंग और फैशन लाइन एक बहुत ही शुद्ध लाइन होती है। तो आपने सुना, ये थे मेरे साथ भानु प्रताप जी, इन्होंने अपने विचार रखे और कई मुद्दों पर बात रखी और कई महिलाओं से संबंधित भी जानकारी भी दी। कैमरामैन कपिल गौतम के साथ कृष्णा त्यागी, न्यूज सक्षम न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।